हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ZSS, दैट इज़ जीरो स्पीड स्विच या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कनेक्शन और वर्किंग। सो ZSS का या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला ये है, इसको हम लोग कंट्रोलर कहते हैं, और दूसरा सेंसर। सो सेंसर हमेशा जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपका मशीन है, उसके मूवमेंट को सेंस करता रहता है, और जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी प्रोग्रामिंग है, वो इस पार्ट में रहता है, और यहाँ पे उसके कनेक्शंस हैं। तो प्रेजेंटली सप्लाई का आपको दिख रहा होगा, सप्लाई ऑन है क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई का कनेक्शन किया है। ये देखिए, पहला और तीसरा 230 240 वोल्ट्स के लिए, तो यहाँ पे वो कनेक्शन है। और अगर आपके पास 110 है तो आप पहले और सेकंड में कनेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो रिलेस के लिए है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट हो, या फिर NO या फिर NC, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर NO है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है NO का, 4-5 एंड 8-9। अगर NC का रिक्वायरमेंट है तो 6-7 एंड 10-11। ये चारों में से जो भी ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड है उसको आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, सेंसर का कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 13 एंड 14। तो 12 और 13 R और B, तो वो केबल के जो कलर कोड हैं उसको मेंशन कर रहा है। R फॉर रेड, यहाँ पे देखिए रेड कनेक्टेड है। 13 ब्लैक, तो ये दोनों सप्लाई के लिए, और ग्रीन वाला जो है वो है सिग्नल के लिए। जब भी NONC, जब भी यहाँ पे मूवमेंट में चेंजेस होगा वो चीज़ यहाँ पे पता चलेगा। वोल्टेज से आप चेक कर सकते हैं, वो अराउंड 17 वोल्ट्स DC के अराउंड आता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जयश्री मेक का है, तो इसी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। सब में बेसिकली सेम ही रहता है। सबसे पहले उसका टाइप है, तो टाइप तो अलग अलग मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, सेम विद सीरियल नंबर। नेक्स्ट, वोल्टेज सप्लाई 110 या फिर 240 वोल्ट AC, 50 हर्ज मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्पीड सेटिंग रेंज 2, तो ये 10 टू 100 RPM का अगर मूवमेंट है तो उसके लिए ये डिज़ायरेबल है, यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। रेंज कैलिब्रेटेड फॉर, दैट इज़ फॉर इम्पल्स पर रेवोल्यूशन। उसके बाद ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ ITD, इनिशियल टाइम डिले बोलते हैं इसको। जस्ट इन केस आपका कन्वेयर, मोस्टली कन्वेयर में ही यूज़ होता है ZSS, तो कन्वेयर इनिशियली बंद रहता है, और जब आप स्टार्ट कमांड देते हैं तो अगर 1 से लेकर 20 सेकेंड तक इसको पल्स नहीं मिला तो भी हेल्दी रहेगा। 20 सेकेंड से अगर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे चैनल था NONC, उसमें मूवमेंट, उसमें चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पीड सेटिंग, तो 1 से लेकर 10, दैट इज़ 10 टू 100 का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। और लास्टली है NTD, तो ये भी बहुत, इसको न्यूसेंस टाइम डिले कहते हैं। तो जस्ट इन केस, इसके जस्ट अपोजिट है ये स्टार्टिंग में काम आता है, इनिशियल टाइम डिले। जब कन्वेयर स्टॉप है, जब स्टार्ट कमांड दे रहे हैं, उस समय ITD काम आता है, लेकिन NTD जो है वो रनिंग में काम आता है। जस्ट इन केस एग्जांपल लीजिए, आपका कन्वेयर रनिंग था पर बिकॉज ऑफ कोई डिस्टर्बेंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए स्टॉप होता है, या फिर 2-4 सेकंड के लिए स्टॉप होता है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, 0 से लेकर 20, तो 0 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 20 रहेगा। तो अगर बीच में कन्वेयर रनिंग के बीच में कुछ प्रॉब्लम आया तो ये चीज़ उसको ट्रिप होने से बचाएगा, थोड़ा सा टाइम डिले देगा। तो ये दोनों सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सॉरी, ये तीनों सेटिंग। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन पे, तो जनरली NC ही लाइन में लिया जाता है, तो मैं NC को मल्टीमीटर के थ्रू उसको ले लेता हूँ टेस्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कंडीशन है, मैंने NO में कनेक्ट किया है, सॉरी NC में नहीं, NO में कनेक्ट किया है। जब ये सिस्टम हेल्दी होगा उस केस में, यहाँ पे जैसा कि आप ओपन लूप देख रहे हैं अभी, ये क्लोज हो जाएगा। अभी कोई मूवमेंट नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अभी तो प्रेजेंटली ये ऑन कंडीशन में, मैं इसको एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ। अभी मैंने जस्ट इसको ऑन किया है और कोई मूवमेंट नहीं है, बट बिकॉज इनिशियल टाइम डिले का जो फंडा था हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो उसके चलते ये अभी NC ही रहेगा, और विथ टाइम 20 सेकेंड तक NC रहने के बाद वो NO या फिर नॉर्मली ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये सब भी चला गया,
और यहाँ पे भी ओपन लूप आ गया है। अब सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए इसको कंटिन्यूस पल्स चाहिए, तो मैं मैन्युअली पल्स देता हूँ। पल्स मिला, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, देखिए रिले एक्ट हुआ है, वापस सेंसी हुआ, और मैं फिर इसको छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वापस से चला जाएगा, एन हो जाएगा। तो कंटिन्यूस इसको एनसी का पल्स देते रहना है, तो सिस्टम हेल्दी रहेगा। इतना ही है, सिंपल है। इस बेसिकली सेफ्टी स्विचेस की तरह यूज़ होता है ZSS, और जो भी आपके एप्लीकेशन है मोस्टली कन्वेयर को छोड़ के दूसरा अगर और भी कोई चीज़ सेंस करना है तो उसके लिए भी आप इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।